जयपुर ले जाब मना ये जगह चांदी तक ले जाब गाड़ी खड़ी हो। चार कंधों पर जाती हुई ये कोई लाश नहीं बल्कि एक जिंदा महिला है, एक ऐसी महिला जिसको सिस्टम की अनदेखी के चलते जीते जी चार कंधों का सहारा लेना पड़ गया। दरअसल ये वीडियो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से सामने आया है। फतेहपुर के अति पिछड़ापन को बयां करता ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फतेहपुर ले जाब मना ये जगह चांदी तक ले जाब गाड़ी खड़ी हो। रास्ते में दलदल होने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई तो बेटों ने मां को चारपाई पर लिटाकर 7 किलोमीटर तक दौड़ लगा ली और घायल मां को एम्बुलेंस तक पहुंचाया, जिसके बाद महिला को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फतेहपुर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत असोथर ब्लॉक का बबलू का डेरा सरकंडी गाँव आज भी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। 20,000 से अधिक आबादी वाले इस गांव में लोग सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। बारिश के दिनों में गांव में कुछ ऐसे हालात हैं कि गांव आने जाने वाला संपर्क मार्ग पूरी तरह से कीचड़ और दलदल से पट चुका है। ऐसे में कुछ ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो फतेहपुर के अति पिछड़ेपन को बयां करने के लिए काफी है। फतेहपुर ले जाब मना ये जगह चांदी तक ले जाब गाड़ी खड़ी हो। दरअसल ये महिला जंगल जाते समय अचानक कीचड़ में फिसल कर गिर गई थी। कमर और शरीर पर कई जगह चोट आने पर परिजनों ने एम्बुलेंस को कॉल किया। कच्चे और दलदल रास्ते की जानकारी पर चालक ने गांव तक जाने से मना कर दिया और 7 किलोमीटर की दूरी पर मनावा गांव के पास एम्बुलेंस खड़ी कर दी। मजबूरन बेटों और परिजनों ने शिवकली को चारपाई पर लिटाया और भाग कर एम्बुलेंस तक पहुँच गए। उनको डर था देर होने पर एम्बुलेंस वहां से भी ना चली जाए। फतेहपुर ले जाब मना ये जगह चांदी तक ले जाब गाड़ी खड़ी हो। बेटे ने बताया कि गांव तक पक्का रास्ता नहीं होने के कारण एम्बुलेंस और अन्य वाहन वहां नहीं पहुंच पाते, इसलिए मां को चारपाई पर लिटाकर करीब 7 किलोमीटर तक ले जाना पड़ा। उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ डॉक्टर कमर में फ्रैक्चर बताकर इलाज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि जिस जिले में भाजपा के 6 विधायक और एक सांसद हैं, 2 विधायकों में एक प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री तो दूसरे प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री हैं और जिले की सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, इसके बावजूद भी ग्रामीणों को पक्की सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नसीब नहीं हो रही है। फतेहपुर से 944 न्यूज के लिए संवाददाता बबलू सिंह की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज